थाना पर सूचना मिली, मैं दीवा कश्ती में था। इसी दौरान थाने से थाना प्रभारी महोदय सूचना मिली कि जो है बिहिया मुसर टोली में दुकान में खाना बनाने के क्रम में गैस लीकिंग की वजह से आग लगी है। मैं कश्ती से और जो गाड़ी मिली अग्निशमन को उसको लेकर तत्काल यहाँ पहुँचा। देखा कि जो है आग लगी हुई है, उस पर हमने प्रयास किया अपने स्तर से और जो गर्मी लोग आग उठाने का। कितनी की संपत्ति जली होगी यहाँ पे? जैसा कि दिखने से लगता है 2 लाख रुपए के आसपास की संपत्ति। काफी दूर हो गया, लेकिन अनुमंडल से बड़ी गाड़ी फायर ब्रिगेड की नहीं आई। हाँ, इसके लिए हम वरीय पदाधिकारी को कहे गए, जगदीशपुर थाना को भी हमने कॉल किया। वहाँ के जो चालक हैं अग्निशामक, उनसे मैंने बात की और अपने थाना अध्यक्ष को ही बताया कि श्रीमान वहाँ से गाड़ी भेजा। अभी आग पे काबू पाया गया? हाँ, पूरी तरीके से, मतलब अगल बगल के सहयोग से, आस पास के लोगों के सहयोग से काफी। ये आग गैस के हिसाब से समय तैयार दुकान भी था और सब घर भी था, इसकी वजह से पूरा दुकान और घर। दुकान में ही सिलेंडर भी थे? घर में, घर दुकान के पीछे। कितने की क्षति हुई होगी? लाखों का नुकसान, लगभग 2 से 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ। इतना आग, बड़ा आग लगने के बाद भी अभी जगदीशपुर अनुमंडल से फायर ब्रिगेड की गाड़ी अभी तक नहीं आई, छोटी गाड़ी से ही काम चलाई जा रही है। इसमें क्या प्रतिक्रिया होगी आप लोगों की? हम सबसे पहले यही कहना चाहेंगे कि बिहार थाना प्रभारी का शुक्रिया है कि उन्होंने तत्काल जो है अपने अग्निशमन को भेज दिया है और जिसकी वजह से काफ़ी मदद मिली है यहाँ स्थानीय लोगों की वजह से, मदद मिली है। और अनुमंडल में सूचना होने के बावजूद भी अभी तक वहाँ से कोई गाड़ी नहीं है। कितना देर पहले आग लगी है? ये आग लगने का तकरीबन 1.5 घंटे पहले। अभी 1.5 घंटे बाद भी अभी अनुमंडल से फायर ब्रिगेड नहीं। किलोमीटर जगदीशपुर अनुमंडल है, उसके बावजूद भी अभी तक वहाँ से कोई मदद नहीं मिली। कितने की क्षति हुई होगी? 36 लाखों की, लगभग यहाँ का 2 से 3 लाख रुपये की क्षति। परिचय बताइए अपना। शंकर कुमार।